स्वामी जी मेरी आंख में पहले बहुत खुजली होती थी खुजली होती थी होती होती का 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 स्वामी जी फिर धीरे धीरे से मेरा आंख का अंदर में शिष्ट हो गए जी फिर मैं डॉक्टर के पास में गई तो डॉक्टर ने बोला आपका तीन महीने का अंदर में इमिडियटली ऑपरेशन करना होगा नहीं तो आप अंधी हो जाओगी फिर मैं मैं तो पहले बहुत ज़्यादा अस्थमा की पेशेंट थी मुझे पता नहीं था कि प्राणायाम से आँख भी ठीक होती है बोल के मैं प्राणायाम में लगी रहती थी बहुत भयंकर अस्थमा की वजह से गुरुजी फिर मैं प्राणायाम करते करते योगाभ्यास करते करते मैं अस्थमा ठीक करने लगी किंतु मेरा आँख का सिस्टि खत्म हो गया गुरु जी आँख का सी ठीक हो गया मेरा कुछ दिक्कत नहीं है कुछ नहीं है फिर मैं रात को थोड़ा जगने पड़ता जगने पड़ता है कुछ मेरी अपनी समस्या है फिर इसी के चलते चलते गुरु मेरा आँख का अंदर में बहुत सा भारी होने लगा फिर आपको टीवी में देख के पिछले जनवरी दिसंबर में आपने बताते थे त्राटक के बारे में तो मैंने मैंने त्राटक की तो त्राटक करने से वो मेरा आँख का भारीपन भी पूरी तरह से ठीक हो गए पूरी ठीक कर ली हाँ जी पूरी तरह ठीक गांठ भी ठीक कर ली भारीपन खुजली हाँ जी अस्तमा के चलते चलते फिर स्वामी जी मेरे मैं एक्चुअली को लेके आई हूँ वो तो बेड पर ही है उनको वो चश्मा लगता था उनको मैंने मेरा हाथ पकड़ पकड़ के उनको अनुलोम विलोम करा करा के उनका भी रोशनी आई गुरु जी पति भी ठीक कर लिया हाँ जी क्या